हाय गाइस, तो आज मैं आपको इस स्विंग मशीन के पैडल के बारे में बताऊंगा। असल में मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि जैसे ही हम ये पैडल का वायर बोर्ड में लगाते हैं वैसे ही पैडल डायरेक्ट यानी मोटर जो है वो डायरेक्ट चलने लगती है। हम इसका पैडल दबाते नहीं हैं, उससे पहले ही मोटर डायरेक्ट चलती रहती है जब तक हम प्लग नहीं निकालते। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और आज मैं इसकी वायरिंग के बारे में भी बताऊँगा कि इसमें मेल और फीमेल की वायरिंग कैसे होती है। जैसे ये फीमेल है और ये मेल है, तो इसकी वायरिंग हम कैसे करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कौन सा डायोड लगता है जिसकी वजह से हम इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसको ये खोल लिया है। अब जो ये आप देख रहे हैं, ये तीन पत्तियों से ये पूरा पैडल चलता है। जैसे कि हम इसको दबाते हैं तो जो प्लंजर टाइप में है ये नीचे आता है और इन जो तीन पत्तियां दिख रही हैं इनको आपस में कनेक्ट करता है। अब बात आती है कि पैडल डायरेक्ट क्यों हो जाता है। तो इसका सबसे पहला रीज़न है कि जो आपकी पत्ती में जो रिबिट दिख रहा है ये जब जल जाता है, मतलब जब ये पत्ती ख़राब हो जाती हैं, असल में जब भी ये पत्ती आपस में टकराती हैं तो इसमें एक मामूली सा शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके वजह से धीरे धीरे जो रिबिट दिख रहा है ये जलता रहता है। तो जब ये ज़्यादा जल जाता है तो उसकी वजह से जब ये आप पुश करते हो उसको तो ये वहीं चिपका रह जाता है, क्योंकि एक रिपीट दूसरी पत्ती के अंदर कनेक्ट हो जाता है पूरी तरह से, वो चिपक जाता है बिल्कुल, तो वो निकलता ही नहीं है। जब ये पत्ती जल जाती हैं तब ऐसा होता है। तो अगर आपके पैडल के अंदर, अगर आपका पैडल में भी यही प्रॉब्लम आ रही हो कि वो डायरेक्ट हो जा रहा हो, तो सबसे पहले खोल के देखिए कि उसकी पत्तियाँ ये जली तो नहीं है। अगर जली हों तो उनको चेंज कर लिए, अगर नहीं जली हों तो दूसरा रीज़न है वो ये है कि ये जो तीन पत्तियां दिख रही हैं आपको, कि जब भी हम नया पैडल या पत्तियां नहीं बदलते हैं तो वो बिल्कुल पास पास या चिपकी हुई रहती हैं, तो हमको उन तीनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ाना है। तो हम उनको इस टाइप से ऊपर की तरफ मोड़ देंगे तीनों को, तो उससे क्या होगा कि इन तीनों पत्तियों के बीच में गैप अच्छा हो जाएगा, उससे आपका पैडल जो डायरेक्ट होता है वो डायरेक्ट होने से बचेगा। तो ये दूसरा रीज़न है कि ये चिपकी रहती हैं, तो इनको आपको दूर दूर रखना है। आप पहले देखिए कि पत्तियाँ जली तो नहीं है, और दूसरी चीज़ देखना है कि पत्तियाँ ज़्यादा पास पास तो नहीं है, अगर पास पास हो तो उनको दूर रख दिया। ये दूसरा रीज़न है पैडल डायरेक्ट होने का। और इसका जो तीसरा रीज़न आता है वो ये चीज़ है कि जो आपको ये प्लंजर दिख रहा है आपके पैडल में भी होगा, जो ये प्लंजर है जो ये नीचे आ रहा है ये पत्तियों को जो आपस में दबाता है, इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो ये प्लंजर है ये तिरछा हो जाता है, मतलब ऐसे तिरछे साइड में चला जाता है इस टाइप में। तो उसमें क्या होता है कि जब ये नीचे जाता है पत्ती से टकराता है, और नीचे जाने के बाद ऐसे पत्ती से टकराएगा और नीचे जाने के बाद ये यहाँ पर चला जाता है इस टाइप में, ऐसा चला जाएगा और फिर पत्ती को वापस ऊपर की तरफ कर देगा। इससे क्या होगा कि ये पत्तियाँ आपस में नीचे से ऊपर की तरफ कनेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि स्प्रिंग तो इसको ऊपर खींच ही रही है, तो ये तीनों इस टाइप में कनेक्ट हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बीच में हो, कि बस पत्ती को यहाँ से दबाए और जैसे ही आप पैर हटाएं तो आप वापस इस टाइप में हो, ना कि ये इस टाइप में हो जाए। तो चलिए मैं आपको मेल और फीमेल की वायरिंग बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको एक वायर चाहिए होगा, वायर जिसमें एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है। ये दो वायर हैं हमारे पास, एक रेड है और एक ब्लैक वायर है। अब इसके एक साइड जो एक केबल है जिसमें रेड और एक ब्लैक वायर है, जैसे कि ये एक केबल है, इसके अंदर एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर अंदर है जो कि यहाँ पर इन दोनों में पॉइंट में लगा हुआ है। तो आपको एक साइड इस केबल के अंदर एक साइड मेल लगाना है, जैसे कि ये मेल लगा हुआ है, मेल टू पिन टॉप है ये, और एक साइड हमें फीमेल लगाना है, ये फीमेल टू पिन टॉप है, तो फीमेल लगा देते हैं। अब इस केबल में आपको बीच में से या फिर आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कहीं से भी काट सकते हैं। तो आप में जो रेड वाला वायर है, जैसे कि आपको ये रेड वाला वायर दिख रहा होगा, तो हमने इस पूरी केबल के अंदर से रेड वाले वायर को कट किया है। जैसे ही हम यहाँ से कट करेंगे तो हमारे पास दो वायर हो जाएंगे, एक इस साइड से जो कि एक ये वाला वायर है और एक इधर से आ रहा था, क्योंकि हम जब भी एक वायर को बीच में से कट करते हैं तो एक साइड का इधर और एक साइड का इधर दो वायर हो जाते हैं, तो ये दो वायर हो गए हमारे पास। जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा एक और ये दोनों वायर ऐसे ही हैं, बाकी ब्लैक वाला तो डायरेक्ट लगा हुआ है, वो केबल ही है, पूरी केबल के अंदर ही गया हुआ है, बाकी रेड वाला वायर हमने बीच में से कट किया है। अब ये रेड वाला वायर ही
इन तीन पत्तियों में लगता है। वो कैसे लगता है चलिए जानते हैं। जैसे कि हमारी ये फर्स्ट वाली पत्ती है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये तीन पत्तियाँ हो गई। और इसके अंदर जो कि हमारा स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए हम जो डायोड लगाते हैं वो ये हैगा, और डायोड का नंबर है N4007MIC। ये नंबर है आपका डायोड का। जब भी आप दुकान पे जाएंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक पे तो इस नंबर से आपको ये डायोड मिल जाएगा, आपको इसमें स्पीड या कम ज़्यादा करने के लिए लगा सकते हैं। बाकी आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपकी जो मोटर है वो एक ही स्पीड से चलेगी, और अगर आप इसको डायोड को लगाते हैं तो आपकी मोटर दो स्पीड से चलेगी। फर्स्ट स्पीड में आप जैसे इस पत्ती को टच होगा, फर्स्ट पत्ती देखिए तीन दिख रही है ना आपको, इसमें से जैसे आप पहली वाली को टच करेंगे तो फर्स्ट स्पीड आएगी, और जैसे सेकंड को टच करेंगे तो फुल स्पीड हो जाएगी। ये डायोड ऐसे ही काम करता है। तो ये डायोड हम इसके अंदर लगाएंगे, जैसे कि मैं इधर एक डायोड बना देता हूँ जो कि ये वाला डायोड है, इसका नंबर यही है ये डायोड। चलिए हम इसकी अब वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो रेड वाला वायर है वो एक वायर हमारा फर्स्ट वाली पे लगेगा, यानी पहले वाली पे ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये एक वायर हमारा फर्स्ट वाली पे लगेगा और एक वाला वायर लास्ट वाली पे लगेगा। अब हमें ये डायोड लगाना है, तो ये डायोड हमें एक जो पॉइंट है इसका वो एक थर्ड नंबर की पत्ती पे लगाना है और एक सेकंड नंबर की पत्ती पे लगाना है। तो इसी टाइप से इसकी वायरिंग होगी। आप जब भी पुश करेंगे, आप जब भी इस पेडल को पुश करेंगे तो पहले फर्स्ट और सेकंड पत्ती होगी जिस पे आपकी स्पीड कम होगी, और जब आप पूरा इसको दबा देंगे तो ये फुल स्पीड में आपकी मोटर चलने लगेगी। बस यही है इसकी सिंपल सी वायरिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।